हेलो स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में आज हम आपको कुछ नए टॉपिक देंगे इंटर के। आज हम आपको बताएंगे परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है? प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास एक मिरर है जिसकी एक साइड में पॉलिश होगी। अगर हम इस मिरर में ये हमने मान लिया अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है प्रकाश की, माने अभिलंब से आई एंगल बनाती हुई हमने एक लाइट रे डाली। यहां पर एक सोर्स है हमारे पास, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से हमने लाइट डाली यहां पर, ये लाइट है, ये किसी भी लाइट सोर्स से, टॉर्च से हमने एक लाइट डाली। तो लाइट जब ये अभिलंब से आई एंगल बना रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी इधर से, तो ये जो एंगल बना, ये इसको हम आर कहेंगे। अब हमने क्या कहा, इस अगर हम इस जो ये आपतित जो किरण है, जो इंसिडेंट लाइट रे है, अगर मैं इसको थोड़ा इधर कर दूं, तो ये थोड़ी सी इधर चली जाएगी, माने मैं एंगल को बढ़ा दूं। जैसे मैं ये कर दूं, ये एंगल बढ़ा दूं, देखो ये एंगल बढ़ा दिया मैंने, तो ये अब आई यहां से नापा, मेजर किया जाएगा। तो ये जो आर है, ये आर भी अपने आप खुद ब खुद उतना ही बढ़ जाएगा जितनी मैंने आई इधर इंक्रीज करा है। ये थोड़ा सा आई इधर इंक्रीज कर दिया, ये तो उस उतना ही आर इंक्रीज हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्लस डेल्टा आई, आई प्लस थोड़ा सा बढ़ गया डेल्टा आई, ऐसे ही इधर से ये टोटल हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इधर बढ़ाएंगे तो उधर भी बढ़ जाएगा, माने आपतित कोण, आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण भी बढ़ जाएगा। तो ये है प्रकाश का परावर्तन के आपतन कोण, इसका नियम, नियम सुनिए कि पहला नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, माने ये और ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक ही प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, माने व्हाइट बोर्ड हो गया, ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन हो गया, ये पूरा प्लेन है, इसी प्लेन में तो है। देखो आपतित किरण भी इसी प्लेन में है, आपतित किरण भी देखो इसी प्लेन में है, अभिलंब भी देखो इसी प्लेन में है और परावर्तित किरण भी इसी अभिलंब में है। तो क्या नियम बना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों, ये तीनों 1 2 3, यानी कि इसको मैं 1 कह दूं, ये 2 कह दूं और ये 3, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो एक ही प्लेन में है, ये है प्रकाश का परावर्तन। तो दूसरा नियम आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा हमारा शुरू हो गया टॉपिक। ये पहला टॉपिक था हमारा, अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज है? तो देख, इसमें एक चीज और है, इस वाले में हम एक चीज और बता दें, इसमें दो मीडियम नहीं होते, इसमें मतलब एक ही मीडियम होता है। कहने का मतलब अगर ये वायुमंडल में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या वायुमंडल, वायु के सापेक्ष हम ये सब लिख रहे हैं, तो ये इधर का पोर्शन भी वायु में ही होगा, इधर का भी पोर्शन वायु में होगा। ऐसा नहीं है कि इधर है हमारे पास वायु का अपवर्तनांक और इधर हो गया जल का अपवर्तनांक, माने इधर हमने दूसरा मीडियम भर दिया है, इधर कोई और मीडियम नहीं, एक ही मीडियम होता है, माने जिस मीडियम में किरण आ रही है उसी मीडियम में किरण जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें मीडियम बदल जाते हैं, जैसे देखो
ये हो गया अभिलंब और ये है सेपरेशन लाइन जो दो मीडियम को अलग अलग करेगी। तो ऊपर हमने मीडियम मान लिया वायु, ये जो ऊपर का मीडियम है ये वायु है, और वायु मीडियम कैसा होता है इसको हम विरल कहते हैं, विरल माध्यम। इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम कहलाएगा विरल माध्यम। नीचे क्या है? नीचे का माध्यम हमने नीचे क्या मान लिया? जल, जल मान लिया। तो जल कैसा कहलाएगा? सघन माध्यम, ये सघन माध्यम कहलाएगा। तो वायु हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। अब हमने क्या किया, एक किरण विरल माध्यम से डाली, विरल माध्यम से किरण डाली हमने, लाइट, लाइट रे विरल माध्यम से आई, ये एंगल बनाया इसने आई। अब ये चली गई सघन माध्यम में क्योंकि ये तो वाटर है। तो जब सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो झुक गई अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, इसी को तो कहते हैं अभिलंब, अभिलंब इसे भी हम लिख दे रहे हैं अभिलंब कहते हैं। पहली बात तो आप समझी गए लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ये अभिलंब है। तो ये जो झुक गई इधर, ये एंगल आर हो गया, तो ये जो एंगल है वो बड़ा होगा आर से, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आई इज ग्रेटर देन आर। ये आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विरल माध्यम से आ रही थी, सघन में चली गई। अब हम देखो इसको और समझाते हैं, और समझिए। मान लीजिए ये है जल, तो सघन माध्यम हो गया, ये हमने लिख दिया सघन माध्यम। ये है वायु, ये हो गया विरल माध्यम। सघन माध्यम से लाइट चली, लाइट कौन से मीडियम से चल रही है? सघन माध्यम से चल रही है, तो ये एंगल बन गया आई। जा कौन से माध्यम में रही है? विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब है, अभिलंब से ये दूर को हट जाएगी। देखो ये गैप कम है और ये गैप देखो बड़ा हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आई से। तो क्या मतलब हुआ कि जब विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, अब सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश पे माध्यम का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पे माध्यम का प्रभाव पड़ रहा है। तो अब परिभाषा क्या बनाएंगे? परिभाषा ये बन गई, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये डेफिनेशन हो गई। अब और दूसरा रूल क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गई, इसका एक दूसरा रूल क्या है, दूसरा इसके नियम क्या है? तो नियम इसका पहला है कि साइन आई बटे साइन आर, ये कांस्टेंट रहता है, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किन्हीं दो मीडियम के लिए। अब मान लीजिए मीडियम कौन सा है? साइन आई बटे साइन आर। मान लीजिए पहला माध्यम से दूसरे में जा रही तो वन एंड टू लिखेंगे। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे इसकी, या फिर ऐसा होगा एएनजी होगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वन एंड टू के शो कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एएनडब्ल्यू, तो साइन आई बटे साइन आर। कहने का मतलब ये कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये जो मान आएगा निकल के साइन आई बटे साइन आई, इन दोनों मीडियम के लिए अनुपात जो है वो स्थिर रहेगा, इन दोनों मीडियम के लिए ये अनुपात स्थिर रहेगा, तो स्थिर रहेगा ना, तो इसीलिए तो लिख दिया कांस्टेंट। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका जो दूसरा नियम और लगभग ये इसका नियम, दोनों लगभग बराबर हैं, बस शब्द क्या, शब्द का फर्क है, इसमें आपतित किरण और अपवर्तित किरण लिखना, और इसमें आपतित किरण और परावर्तित लिखना, तो इसमें अपवर्तित और इसमें परावर्तित जरा सा फर्क है, बाकी दोनों का जो पहला वाला नियम, जो दूसरा वाला जो थ्योरेटिकल नियम है, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया एक ही तल में होते हैं, वो दोनों के सेम है।
इसमें क्या होता है, इसमें आई और आर बराबर होते हैं, इसमें साइन आई बटे साइन आर का अनुपात बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो हम आपको अलग अलग मीडियम से बताते हैं। अब देखो इनमें इनमें सघन और बिलल आपने जान लिया। अब देखो एक चीज और बताते हैं आपको बहुत अच्छा, कि जैसे मान लीजिए ये है कांच और ये है जल। तो ये देखो हो गया बिरल, ये बिरल माध्यम कहलाएगा, ये सघन माध्यम कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया, ये तो आपने सर गलत बता दिया। इधर हमें जल को आप पहले सघन कह रहे थे, अब जल को बिरल कह रहे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा सघन कांच है। जब ये सघन है, ये भी सघन है, लेकिन ये कांच के सामने बिरल बन गया, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जल के इसका अपवर्तनांक जो होता है जल का, वो कांच से कम होता है। इसका कितना होता है, इसका होता है एन डब्ल्यू, मैं लिख भी दे रहा हूँ, एन डब्ल्यू होता है 4/3, और इसका एन जी कितना होता है, इसका एन जी होता है 1.5। तो इसीलिए ऐसा हुआ, 1.5 का मतलब 3/2 मैं लिख देता हूँ, अनुपात वाली भाषा में लिख देता हूँ, 3/2 या 1.5 एक ही बात है। अब देखिए प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, तो ये बन गया आई एंगल। अब जाहिर है सघन से आई है, बिरल में जा रही है, सघन से आई है बिरल में जा रही है, तो यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी, ये हो गई आर। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिखेंगे, जी एन डब्ल्यू। ये आपका क्लियर हो गया, जी एन डब्ल्यू। अच्छा इसके बाद और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एन, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन डब्ल्यू बटे एन जी भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है साइन आई बटे साइन आर को। तो ये भी सही है, दोनों याद कर लो। इसके बाद हम आपको बताते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सिखा दे क्या होता है, क्रांतिक कोण सिखा रहे हैं आप, क्रांतिक कोण क्या चीज होती है सीख लो। क्रांतिक कोण के लिए क्या होता है, लाइट हमेशा सघन से बिरल में जानी चाहिए, तो ये सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम से लाइट काहे में जाए, बिरल में। तो मान लीजिए ये लाइट चली आई और ये चली गई, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। देखो ये लाइट चली, अभिलंब से दूर हट गई क्योंकि ऊपर बिरल है। क्रांतिक कोण ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान दें। तो ये हो गया आई एंगल से जा रही है, आर से चलेगी। अब हम अगर इसको थोड़ा और इधर बढ़ाएं तो ये और इधर झुकेगी, दूसरे चित्र में हम समझाएंगे यही बात। अब देखो हमने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये इस पे आ गई, तो इसका मतलब तो ये 90 बन गया, तो आर बराबर क्या हो गया 90, और इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई अब, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो अपवर्तन कोण है, जो ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण जो है वो सेपरेटर चला गया, मैंने इतना बढ़ गया कि 90 हो गया। मैंने पहले तो 90 से कम था, अब इसको बढ़ाते गए तो ये 90 हो गया। जब 90 हो गया तो ऐसी सिचुएशन में ये आई ना कह लगे, इसको आई ना कह के हम इसको आईसी कह देते हैं। आईसी माने क्रिटिकल एंगल। तो ये हो गया क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। अब ये हमने साइन लगा दिया जाने का, ये इधर पार निकल गई। अब ये अभिलंब हो गया हमारा। अब क्या मतलब हुआ इसका, तो फार्मूला तो वही लगेगा भाई, ये कौन सा माध्यम है, ये है सघन और ये है बिरल। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, अब सघन में कुछ तो होगा ये, तो सघन में हम मान लेते हैं कांच चाहिए और ये है वायु, तो क्या हो जाएगा, जी एन ए साइन आई सी अपॉन साइन आर। तो ऊपर लिख देंगे साइन आई सी अपॉन साइन 90
क्योंकि 90 है आर का मान, तो ये हो जाएगा साइन आई सी अपॉन वन। ये हो गया आपका जी एन ए बराबर हो गया साइन आई सी, साइन आई सी। अगर मैं इसको ए एन जी लिखूं तो ए एन जी तो लिख नहीं सकता, ए एन जी तो ऐसे लिखा जाएगा नीचे लाके, तो ये हो गया साइन आई सी। ये ए एन जी ऊपर चला गया तो ये हो गया कॉसिक आई सी। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्रिटिकल एंगल का फार्मूला बन गया। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे जरूर समझ में आएगा। और देखिए फिजिक्स में मैंने इतना कंटेंट डाल दिया है, फिजिक्स मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ा दी है और मैथ भी मैंने इतनी पढ़ा दी है कि अगर आप यूट्यूब का जो मैंने डाला है यूट्यूब पर जितना सिलेबस जो चीज़ें मैंने डाली हैं इम्पोर्टेंट, अगर आप इतना ही सब पढ़ लेते हैं तब भी आपके 80-90% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यूट्यूब चैनल की वीडियो देखेंगे और उन्हें पढ़ेंगे और अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे। थैंक यू।